प्रदीप नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप परेठा और एक और बार आपका न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गा जी लेने गांधीनगर। तो ट्रैक्टर ट्रायली आ गए, हमारे राहुल भैया ढोल लेके आ गए, तो अभी अपन चलते हैं गांधीनगर की ओर। दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है आज, हम लोग सब लोग एंजॉय करेंगे जाते हुए। तो वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं गांधीनगर में, जहां पर हमने मूर्ति बुकिंग की थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए तो काफ़ी देर इंतजार करना पड़ेगा यहां पर। तो उससे पहले हम लोग पहले मार्केट में घूम लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं चाय पीने, क्योंकि सब लोग उपास है, लेकिन मैं भाजी बड़ा खाऊँगा। अच्छा नागिन दास, तो मैं उपास नहीं हूँ। हमारा दीपू भैया, हमारा दीपू भाई नहीं है उपास, ये नहीं नहीं दीपू भैया रहते हैं, हर साल रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे मोहल्ले में माता रानी को बिठाते बिठाते आज 10-20 साल है, इस साल मिला के 10-20 साल हो जाएगी। जो कि आपको मैम दिखाएंगे, पहले की आपको मूर्ति तो मैंने नहीं दिखाई है, लेकिन इस बार से आपको हर वर्ष मैं दिखाऊंगा हम लोग कैसे बिठाते हैं माता रानी को। तो गाइस, हमारा एक सब्सक्राइबर और मिल गया है, जो हमारे टीम मेट से अभी हाथ मिला रहा है भाई। आई एम जो भी पहचाने पागल ये कौन है भाई, आपका नाम क्या? गुड्डू। गुड्डू मालवी। गुड्डू मालवी जी कहाँ से हो? भोपाल। भोपाल से क्या करते हो आप? मैं मारा पीटी गुंडा कर दी बस। ओ भाई, तो कैसे करते हो, कैसे होती है मारा पीटी? गुड्डू भैया, गुड्डू भैया से मिलकर बहुत मजा आया। राहुल भैया एक बार हाथ मिलाओ गुड्डू भैया से। गुड्डू भैया से कभी संपर्क करने जरूरत पड़े तो आप। ठीक है। तो दोस्तों, वैसे तो ये मेरा भाई मोहित है, बहुत प्यारा लड़का है, तो इससे थोड़ी सी मजाक कर ली है। चल भाई साथ चल भाई, इसको मैं ये हमारे गुड्डू भाई को भी हम साथ ले आ रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी दूर आ गए थे हम गांधीनगर के अंदर, तो अभी हम नाश्ता करने के लिए चाय पीने के लिए जा रहे हैं। तो भाई, अभी हम पहुँच गए हैं मार्केट में भाई। भाई तो ये रेस्टोरेंट, अब इसके अंदर चलते हैं। दोस्तों, अभी हम आ गए होटल के अंदर, बाकी तो सब व्रत है, कुछ लोग ने व्रत नहीं रखा है, हमारे ब्लॉगर प्रदीप भैया और एक में व्रत है। क्या आपका भी? नहीं भाई, मेरा व्रत नहीं है भैया। अभी क्या काटा आपने? पालक काटा। ये पालक, हाँ, इसको धोया जाएगा 2-3 बार, उसके बाद पीसा जाएगा। पालक में भी और क्या क्या मिलेगा भाई? पुदीना। पुदीना लट कैसा लग रहा है भाई? भाई अच्छा लग रहा है। क्या मंगाया आपने? ये हमने मंगाया छोले भटूरे, जिसमें काफ़ी सारे भैया ने सेव प्याज और सब चीज़ डाला है इसमें, तो बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसका। ये हमारे कल्लू भाई समोसा खाइस। तो कल्लू भाई और कितने खाइस? दो और खाइस। दो और खाइस। भाई अभी हमने कर लिया नाश्ता, हमारे लिए आएगी चाय, तो चाय और पी लेते हैं, इसके बाद चलते हैं अपन यहाँ से। गाइस, अभी हमने कर लिया चाय नाश्ता, दो चलो तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। ठीक है चाचा, नाश्ता मज़ा आ रहा है बाबा। भैया उनकी चाय नाश्ते में वाले हैं।
और काफी अच्छा मार्केट है गांधीनगर का, हम लोग ने देख लिया आज। चलते हैं अपन जल्दी जल्दी, वहाँ पर हमारे पास फोन भी आ गया है। बरेठा जी ब्लॉग, कैसे ले जाएंगे मूर्ति यार। मूर्ति बुकिंग करी थी वो वाली माता रानी की मूर्ति, ये जो अभी हम ले जाएंगे, तो अभी अपन यहाँ से ले चलते हैं ट्रायल में। तो ट्रायल काफी दूर लगी है हमारी, तो अभी थोड़ी सी दिक्कत आने वाली, लेकिन दद्दू थोड़ा सा दद्दू कैसे ले जाए हम उसको यहाँ से वहाँ पर। अच्छा छोटी ट्रायली भी अपने दोस्तों, ट्रायली ये जो दद्दू ने परमानेंट यहाँ पर बनवा के रख रखी है, अब यहाँ से मूर्ति ले जाने के लिए। डेकोरेशन किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन नाइट में हमारी मूर्ति हो चुके हैं माता रानी की। प्रतिमा में इतना बजट है कि हमारे साथ 8 जन आए थे, इनसे भी प्रतिमा उठ नहीं पा रही थी। शाम को 9 बजे प्रतिमा का जब स्थापना होगी, उसका सीधा लाइव प्रसारण बरेठा जी ब्लॉग्स पर देखने को मिलेगा, कोई भी मिस नहीं करना।
तो गाइस अब अपन दीपो भैया से पूछते हैं उनको 18:06 पर कैसा लग रहा है, कैसा अभी महसूस कर रहे हैं वो यहाँ पर अभी शाम का टाइम। तो दीपो भैया आपको कैसा फील हो रहा है इस टाइम? ये शाम का मौसम है, हम प्रतिमा लेकर ट्रॉली में जा रहे हैं तो काफी धीरे ट्रॉली चल रही है, फिर भी इतनी ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है। आप देख सकते हो राहुल को, राहुल को दिखाएं, राहुल को आप देख सकते हो कितने अच्छे से बैठे हुए हैं, हाथी पकड़ के बैठे हैं। आप देख सकते हो सभी हमारे साथीगण जो है प्रतिमा को पकड़कर ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें कोई निश्चिंत, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, और इतना अच्छा सुहाना मौसम है कि सभी इतना इसका एंजॉय भी कर रहे हैं, माता जी की प्रतिमा भी ले जा रहे हैं। हमारी माता जी की प्रतिमा को हम शाम को 9 बजे स्थापित करवाएंगे, तो आप सभी हमारे परेठा जी ब्लॉग्स, हमारे प्रदीप परेठा जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उनके वीडियोस को शेयर करें ताकि इनका पॉपुलैरिटी बढ़े और ये एक अच्छे यूट्यूबर बन जाए। तो गाइस हमारा इनसे तो भाई दीपू भैया इनका और आप लोगों का सबका ऐसा ही प्यार मिलता रहा। कुछ बोल रहे हैं, नवरात्रि का कार्यक्रम है भैया, 9 दिन अपनी नवरात्रि माता जी अपने बीच में रहेंगी। मैं आपसे इतना निवेदन करता हूँ हमारे कल्लू भैया को जितने आगे पहुँचा सकते हो उतने आगे पहुँचाइए, ये माता दी। बहुत अच्छा लगता है भाई, उन्होंने प्यार से सपोर्ट करते हैं मुझे। भाई अब चलते हैं अपन फटाफट घर, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं परवलिया ब्रिज के पास, तो अंधेरा भी ज़्यादा होगा है, तो अब चलते हैं अपन घर। अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव में, तो अभी हम लोग गांव के बाहर ही हैं, यहां से बढ़िया हम पुलिस ले जाएंगे माता रानी को, बढ़िया आते बैठते हुए हम लोग मोहल्ले में ले जाएंगे। दोस्तों ये भी अपने डीजे करण पिंटू चौहान आशीर्वाद डीजे के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों इनके मोबाइल नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो नहीं जा पा रहे हैं, सब लोग चढ़ रहे हैं मूर्ति उतारने के लिए जैसे कि आप देख रहे हो। और आपको ये गेम भी कैसी लगी है आप? गुरुदेव से अपन ने प्रसाद ले लिया है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।